तुमको जो है 1.5 साल तक तीन तो गरीब लोगों को तीनों टाइम का भरपूर खाना खिलाना है, अब 50-50 रुपया उनका हाथ में देना है। भाभी जी क्या है कि आपकी ग्रूमिंग क्लासेस के स्टूडेंट्स कुछ भिखारियों को खाना खिला रहे थे, भिखारियों की उस पंगत में भभूति जी भी मौजूद थे। भीख में तुमने 50 रुपए भी लिए, भिखारियों के साथ जाके रहो, गेट लॉस्ट। भभूति जी की इतनी कमी खल रही है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम है ना। यस, साफ सफाई बराबर करना। भभूति जी और ये दो लौंडे हैं ना टीका मलखान, ये हमारे घर के सामने डेरा जमाए बैठे हैं, पसीने वहां से खदेड़ना है, शौक लीजिए। ठीक है भैया, तो आज रात को आपके घर के सामने एक भालू आएगा और उन तीनों गधों को खदेड़ देगा। चल भाई, चल भाई, चल चल करोड़पति ले ले, 10 की मेरी भी आ गई। चल, 20 की चाल, सो कर। ले बेटा 3 बेगम। भैया, आपकी चौथी बेगम। रही जादी को नींद नहीं आ रही। भैया एक बात समझ में ना आई, ये आज तक अमीर लोग जो है ना, ये गरीबों से इतना जलते क्यों हैं? भाभी जी को वो ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं ये लोग, और ये कमखत सक्सेना पता नहीं कहां मर गए, इतनी देर से इनका इंतजार कर रहे हैं। सच कह रहा लौंडे, सच कह रहा है, ये अमीर लोग ये सोच सोच के परेशान रहते हैं कि हमें तो महंगे मखमल के गद्दों पे नींद नहीं आती, और ये गरीब लोग नुकीले पत्थरों पे कैसे सो जाते हैं। I like it. कहाँ चले गए थे यार? और ये कौन सी ड्रेस पहन कर आए हो? अरे भैया भालू की ड्रेस मिल नहीं रही थी ना, ढूंढ ढूंढ के थक गया, बहुत टाइम लग गया, बड़ी मुश्किल से लेडी गोरिल्ला की ड्रेस मिली है। अच्छा ठीक है, अब जो भी है जल्दी से पहनिए, इनको यहाँ से खदेड़िए। अरे भैया बड़ी मस्ती छा रही है ना इन तीनों को, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, इनकी मस्ती तो मैं अभी भगाता हूँ, आप बस शौक का इंतजाम कीजिए, ठीक है? अब भैया जी, अरे लेकिन ये अमीर लोग सड़क के लोगों से जलते क्यों हैं? ये कौन सा गुरिल्ला है बे? मार दिया। अरे इतने गुरिल्ला हमारी कॉलोनी में कहां से आ गए? अबे, अरे ये कहां ले गया बे? ये असली गुरिल्ला को भी कमबख्त अभी आना था क्या? अरे ये क्या था बे? भैया ये तो गुरिल्ला है, तो मुझे भी दिख रहा है, तो
कहीं इन अमीरों की हम गरीबों को सड़क से खदेड़ने की कोई साजिश तो नहीं? जी नहीं, मैं इतनी फुर्सत में नहीं हूँ। मेरे पास यहाँ सड़क के बीच में पत्ते खेलने से बेहतर काम है। भैया नोच खाओ, पीछे पता नहीं क्या कर दो भैया। भैया जी मौके तो ऐसी जगह पंजो मारो है, मैं बता भी नहीं सकता। सुबह मालूम पड़ जाएगा बेटा, चल पत्ते बांट। आज तीन ठो भूखे मजबूरों को खाना खिला के बहुत अच्छा लग रहा है हमको। कितनी दुआ दे रहे होंगे लड्डू के भैया को, और उनका कितना बिजनेस में फायदा होगा। काहे बज रहे, उठा तो रहे हैं। अम्मा जी, आ हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी, उमर बच्चे कैसन बा? हम एकदम ठीक बा, आप कैसन बा? हम भी एकदम बढ़िया हैं बिटिया। अभी अभी पंडित रामफल के यहाँ से होके आ रहे हैं। का कुछ बोले काओ? पंडित रामफल तो बहुत कुछ बोलते हैं बिटिया, अभी तक उनका शरारत कम कहाँ हुआ है। का बोले? अब हम कह रहे थे बिटिया कि पंडित रामफल जो तुमको कर्म कांड बताए हैं, जो 1.5 साल तक तीन गरीब को 3 वक्त का खाना खिलाना है ना। हाँ हाँ अम्मा जी। हाँ तो उका जो है पंडित रामफल एक शॉर्टकट निकाले हैं। अच्छा, नहीं नहीं अम्मा जी, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। कैसा शॉर्टकट? अब बिटिया वो बताए हैं कि अब वो गरीब लोगों को जो है 1.5 साल तक तुमको खाना खिलाने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। अब बिटिया बोले हैं कि जो है तीनों को आज का दिन खाली पेट भर के आलू गोभी का सब्जी और पूरी खिलाओ, और फिर 50-50 संटी लगा के भगा दो। हाँ ठीक बा अम्मा जी, तो ऐसा करने से लड्डू के भैया का और जल्दी तरक्की होगा का? अरे डबल तरक्की होगा बिटिया। खाली इतना ध्यान रखना कि संटी इतना दमदार मारना कि तीनों को तीनों एकदम बिलबिला आ जाए हैं। हाँ, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना ही कीजिए अम्मा जी, ये उपाय हम आज ही करेंगे। हाँ ठीक बा, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ खुश रहो बिटिया। चलो चलो जल्दी जल्दी आलू गोभी का सब्जी और पूरी बनाते हैं, और फिर उस आंटी भी तो ढूंढना है। अम्मा जी बोल। हाँ हेलो। अरे आप रे समोसा, अरे समोस। अरे यार ये असली गोरिल्ला ने आके सारा गेम बिगाड़ के रख दिया। बताइए ये कानपुर के चिड़ियाघर वाले बड़े लापरवाह हो गए हैं। नहीं बताइए, इनकी शिकायत करनी पड़ेगी, जानवर को खुला छोड़ देते। अगर ये असली गुरिल्ला नहीं आता तो हमें ये बर्तन कपड़े और ये आंगन धोने से छुटकारा मिल जाता। अब पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस नौकरपन से। अरे यार ये सक्सेना जी के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, उनका ख्याल ही चला गया। वो असली गुरिल्ला तो उन्हें कहीं दौड़ा के ले गया था, और वैसे भी उन्होंने लेडी गुरिल्ला की ड्रेस पहन रखी थी। अब क्या होगा यार? अरे सक्सेना जी, आप जिंदा हैं? हाँ भैया जिंदा हूँ, तभी तो आपके सामने बैठा हूँ। लेकिन आपको तो असली गुरिल्ला दौड़ा के ले गया था ना? हाँ भैया ले गया था। तो उसने क्या सलूक किया आपके साथ? वही सलूक किया जो एक मेल गुरिल्ला एक फीमेल गुरिल्ला के साथ करता है। तो मतलब आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे? वो सब तो मैं नहीं जानता भैया, बट आई लाइक इट। मैडम, आपने इस गरीब 2 टके के टुच्चे को याद फरमाया? आइए अब अंदर चलिए। नहीं मैडम, हमारे पैरों में गुर्बत की मट्टी लगी है, कहीं इस मट्टी से आपके ये कीमती गालीचे अब मैले ना हो जाएं।
यार ये क्या नाटक लगा रखा है, अब बंद करो ना ये सब। मैडम नाटक हम गरीब नहीं, नाटक आप जैसे अमीर लोग करते हैं। हमारे पास रोटी कमाने से फुर्सत ही नहीं है, नाटक का वक्त ही कहाँ है हमारे पास। वी हैव नो टाइम फॉर नाटक। तुम ये नाटक नहीं कर रहे हो। हाँ ये नाटक नहीं तो और क्या है। एक गरीब की दिल की आवाज को आप लोग, आप अमीर लोग नाटक कहते हैं। एक गरीब के दिल के जज्बात को आप नाटक समझते हैं, आप अमीर लोग। ओह गॉड शट अप विभू। देखो विभू अब पानी सर से ऊपर चला गया है, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, तुम घर वापस आ रहे हो या नहीं। हम गरीबों का ये उसूल है मैडम कि चाहे महबूब का घर हो या बुजुर्गों की जमीन, एक बार चल दिए तो पलट कर कभी देखा नहीं। इसका मतलब तुम घर वापस नहीं आ रहे हो। हमारी क्या औकात कि हम आप जैसी अमीरजादी के साथ रह सके। हमारा बिस्तर आपके मखमली गद्दे नहीं बल्कि ये सड़क है। हमारी चादर खुला आसमान है। हमारा तकिया आधा चांद है। ठीक है तो फिर आप जमीन को बिस्तर बनाकर, आसमान की चादर ओढ़कर, आधे चांद का तकिया सिरहाने रखकर चैन से वहीं सोइए। आज के बाद से घर की तरफ नजरें उठाकर भी मत देखना। मैडम नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, नेवर। मैडम इस गरीब के खाने का वक्त हो चला है, इजाजत दीजिए। गॉड 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 क्या करूं इस आदमी का, पागल हो जाऊंगी मैं। चलो 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 गरीब लोगों खाना तैयार है। अब भाभी जी खुश रहो बैठ जाओ। बैठ जाओ। अरे भरभूति जी कहाँ रह गए। बस भाभी जी एक अमीरजादी अपने सोने के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हरा अपना ये ये गरीब आदमी उसके जाल को कुतर कर आ गया भाभी जी। हम कुछ समझे नहीं। भाभी जी आप नहीं समझे तो बेहतर है। क्या बस भाभी जी आप अपने हसीन हाथों से खाना खिलाती रहिए, हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ हाँ खिलाएंगे और तबीयत से खिलाएंगे। भाभी जी आज सिर्फ आलू गोभी की सब्जी बनाई है, रायतो ना बनायो। अजालिम चिंता क्यों कर रहे हो, खाना कम कर गो तो का होगो। भाभी जी इसके बाद ना स्वीट डिश बना कर लाएंगे हमारे लिए। मैं चुपचाप खाना खाओ, बकवास कम कर। हाँ खाइए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बाबी अटीका खा लो अच्छे से अभी। बाबी जी वाह क्या बात है, क्या लजीज आलू गोभी बनाया आपने, ऐसा लग रहा है जैसे आलू गोभी खा रहे हैं भाई, कोई डिफरेंस ही नहीं, क्या आलू गोभी बनाया भाई। वाह भाई वाह, हाँ भाभी जी क्या बात है, क्या लज्जत है आपके हाथ में। थैंक यू थैंक यू। भाभी जी खाना तो होगा, अब कोई स्वीट डिश मिल जाए तो मजा आ जाए। नहीं नहीं मीठा तो हम कुछ बनाए नहीं है, लेकिन हम आप तीनों को 50-50 देंगे। गुड आइडिया भाभी जी, हम लोग बाहर जाके मीठा खा लेंगे, लड्डू वड्डू जिसको जो खाना होगा। कैसे चल जाओगे भैया। हाँ भरभूति जी तो खड़े हो जाइए। भाभी जी आज खड़े होके बट नेवर माइंड, आज 100 bucks। सीधे खड़े हो जाइए। ये ले लीजिए, ये ले। Can you explain कि आपने जो मेरे पिछवाड़े पे असॉल्ट किया है उसके पीछे क्या क्या
क्या क्या रीजन था? हाँ वो कहा है ना भरभूति जी की अम्मा जी बोली है हमको कि डेढ़ साल तक खाना खिलाने का कोई जरूरत नहीं है, आज के दिन आलू गोभी की सब्जी के साथ पूरी खिला देंगे और 50-50 सेंटी मार देंगे तो लट्टू के भैया का तरक्की फौरन हो जाएगा। तो आपके 25 हो गए हैं, 25 और बाकी हैं और फिर इन दोनों के 50-50। किसलिए आए हो? और डायरेक्टली आ गए? ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पैर जो तुम्हारी गरीबी की धूल से सने हुए हैं वो मेरे घर के कीमती गलीचों को गंदा कर देंगे। प्लीज ये तानों के तीर तो मत मारो। ताने मैं नहीं तुमने मुझे दिए। मुझसे गलती हो गई बेबी, मुझे इस बात का एहसास हो गया बेबी। I'm sorry. I swear to God, I'm really, really sorry. Okay? I'm sorry. अचानक तुम्हारे सुर क्यों बदल गए? क्यों? अंगूरी जी ने तुम्हें खाना पीना देना बंद किया क्या? मैं वो खाना पीना और वो 50 अपनी खुशी से छोड़ के आया हूँ। अनु, I really can't live without you. मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। And? I love you. Love you very much. And I'm sorry. I'm really, really sorry. अच्छा ठीक है, जाओ तुम्हें माफ किया। I'm so happy. अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें क्या बताना था? Tell me. Vibhu, you know actually, तुम बहुत अच्छे हो। Yes, ma'am. You are so good. Love you. पता है वो तिवारी जी, वो बिल्कुल अनाड़ी निकले। Really? You are so trained. I know. उन्हें तो कुछ भी नहीं आता। I know, he's useless. चलो अच्छा इसी बात पे ना, तुम जल्दी से बर्तन धो दो दोबारा। उन्होंने बहुत गंदे बर्तन धोए हैं और कपड़े ना उन्होंने सुखाए, वो बिल्कुल साफ नहीं हुए। उन्हें फिर से धो दो। Sure, I would love to. Baby, I'm so happy कि मुझे दोबारा तुम मौका दे रही हो कपड़े धोने का, बर्तन धोने का। So happy, I say. अरे ये क्या हुआ तुम्हें? तुम करा क्यों रहे हो? My God, baby, actually क्या है कि वो सड़क पे सो के ना वो नुकीले पत्थर घुस गए, तकलीफ हो रही है। Never mind, I'm good. भैया ये जकरकट्टी में ना लंगर चल रहा है, छोले और पूड़ी। छोले कौन से छोले? कौन से छोले? ब्लैक? हाँ भैया वो कारे वाले। I love ब्लैक छोले। अच्छा और क्या? भैया पूरी, छोले और वो साथ में ना सन्नाटो पिएंगे। यूं सन्नाटो? रायता। आ जाओ भैया, खाते ही ना तबियत बन आ जाएगी और वहां पे 50 रुपए भी मिल रहे। क्या बात कर रहा है, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। मैं तुम दोनों की तरह उठाई गिरा नहीं हूँ, सड़क छाप कहीं के। फिर अपना घर है, आई हैव अ वाइफ हू ऑलमोस्ट लव्स मी। एक्चुअली शी लव्स मी अ लॉट, मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है। छोले पूरी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। सो स्वीट विभू। अच्छा सुनो ना, अच्छी वाली अपने स्टाइल की कॉफी बना दो। तिवारी जी ने वो सड़ी हुई कॉफी पिला पिला कर मुझे सर में दर्द कर दिया। श्योर बेबी श्योर? नो शुगर। All right, my sugary baby. देखा कैसा खिंचा चला आया मेरे पास। कितना अच्छा लगता है उसको घर का काम करना। चलो यार मैं तो फ्री हो गई।
तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया, तो लुट गए हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। हदिया प्रभुति जी, इतने दुखी गाने काहे गा रहे हैं? भाभी जी, आपने हमें इतने प्यार से खिलाया पिलाया, हमारे नाज नखरे उठाए, उसके बाद आपने हमें संटियों से सूद दिया और बेइज्जत करके अपने अंगने से बाहर निकाल दिया। भाभी जी, और आप पूछ रहे कि इतने सैड गाने क्यों गा रहा हूँ? भाभी जी, हदिया, एक मतलब आप हॉट हो गए हैं। आपको देख के हॉट हो जाता हूँ, मतलब इस वक्त हर्ट हूँ, मतलब हॉट हर्ट के साथ है, पर जो आप कहना चाह रही वो हर्ट होता है। भाभी जी सही पकड़े हैं। ओ कहा है ना सारी प्रभुति जी, लेकिन हम ये खुद से ना ही किए थे। किसने करवाया आपसे भाभी जी? आई नो दिस मैन, आई नो हिम, वेयर इज ही, आई नो दिस मैन। हाँ, पंडित रामफल बोल रहे हैं अम्मा जी को कि अगर हम तीन गरीबों को आलू गोभी का सब्जी खिलाएंगे और 50-50 सेंटी मार कर भगा देंगे तो ये उपाय डेढ़ साल तक करने का जरूरत ना ही है, एक दिन में ही का फायदा हो जाएगा। अगर ये फ्रॉड पंडित रामफल आपसे ये कहे कि इन तीनों को आप आलू गोभी की सब्जी खिलाइए और तोप के गोले से उड़ा दीजिए, तो क्या आप उड़ा देंगे मुझे? हाँ। क्या मुझे तोप के गोले से उड़ा देंगे? अच्छा, लड्डू की भैया की तरक्की के लिए ये सब तो हमको करना ही पड़ता ना। नमस्ते। मुझे लगा था आप मजाक कर रही हैं। आई न्यू इट। अभी जी, आप सब्जी बनाइए, हम आपको ताड़ते हैं। आपके दीदार में हम ऐसे खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं।